नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास, मैं बात कर रहा हूँ रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों पर। शुरू करने से पहले एक गुजारिश करूँगा, मुझे वैसे स्वतंत्र लोग ही सुने जो आम के पेड़ को आम का पेड़ ही बताते हैं, वैसे मजबूर लोग बिल्कुल ना सुने जो आम के पेड़ को नीम का पेड़ साबित करने के लिए तुल जाते हैं। आइए मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। मैं इसी मार्च 2021 को रसोई गैस के लिए स्थानीय वितरण केंद्र पर गया। मैंने देखा कि फरवरी माह में जिस भरी हुई सिलेंडर के लिए हमने 794 रुपया चुकाया था, जो कि पिछले महीने से भी 100 रुपया अधिक ही था, आज वही 14.2 kg का भरा हुआ सिलेंडर 919 रुपये में मिल रही थी। और सब्सिडी की बात की जाए तो सब्सिडी जो पहले से निर्धारित है 79.76 रुपये, वो वर्तमान में भी बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि सिलेंडर के दाम में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सब्सिडी अपने स्थान पर बनी हुई है। यानी एक माह में 125 रुपये की बड़ी उछाल के साथ सिलेंडर महंगा हो गया है। ऐसे में अगर कोई सरकार से सवाल करे तो वह तो राष्ट्रभक्त नहीं कहलाएगा। मैं स्वयं तथा आम पीड़ित लोगों की ओर से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि श्रीमान, आप कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर सकते जिससे आम लोगों के घर में चूल्हा भी जले, रोटी भी बने और राष्ट्रभक्त भी कहलाए? अगर सवाल सुनकर बेचैनी उठे तो जवाब में आम निम नहीं। 2014 के उन वादों को पूर्ण करने की बात कीजिएगा तो अभी तक उसी झाड़ पे लटके हुए हैं जहां आपने उन्हें छोड़ा था। आपने 125 करोड़ देशवासियों से अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अच्छे दिन तो सिर्फ पूंजीपतियों के आ रहे हैं। आप तो बाकी के लोगों को भूल ही चुके हैं। आपने तो उन लोगों से इतने बड़े बड़े वादे किए कि पूर्ण करने में देश की विरासत भी सुरक्षित नहीं रही, पुरखों की संपत्ति का आप कोई मोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री बने रहना आपके जीवन का परम लक्ष्य तो बने रहिए। आप प्रधानमंत्री कहलाए, कोई षड्यंत्र रच के चाणक्य कहलाए, न्यायपालिका आपके अधीन रहे, CBI आपके इशारे पर चले, चुनाव आयोग आपका ख्याल रखे और मीडिया आपकी भक्ति करे, जो जी में आए वही कीजिए। अब तो आप सत्ता में आ ही चुके हैं, लेकिन कम से कम आम लोगों को सुकून से जीने और मरने तो दीजिए। और मैं अंत में लोगों से कहूंगा कि आवाज आप भी उठाइए। जब न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष होगा तो मुखदर्शक बनकर देखने वाले को अन्याय ही कहा जाएगा। सुन लीजिए, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सिर्फ सच कहने की आदत है। जय हिंद। ये क्या है भाई? टूल टैक्स है, और क्या है? और जनाब, टूल टैक्स हमें भीख ना दें। और आपके पास तो कार है, आपकी कार का टूल टैक्स बनता है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए जी? और तुम पागल तो नहीं होगे क्या? और देखें जनाब, मोटर वे हुकूमत ने गिरवी रख दी है, इसलिए हमारी मर्जी है जितना मर्जी टूल टैक्स लें। क्या जी? 5,000 रुपए दे सकते हैं तो ठीक है, वरना वापस जाए। फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर, मैं अपने बेटे को दाखिल करवाने आया हूँ। वेरी गुड। मुबारक, हमने आपके बच्चे को 10th class में दाखिल कर लिया है। ये फीस जमा कर रहा है। मगर सर, ये तो बच्चा है, मैंने इसको 2 class में दाखिल करवाना है। देखें, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये क्या बात हुई? और इतनी फीस? मैं आपके स्कूल के खिलाफ हुकूमत तक आवाज पहुंचाऊंगा। हुकूमत अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने सरकारी स्कूल हमारे पास गिरवी रखवा दिए हैं। क्या? स्कूल भी गिरवी? अब आप कल तक ठीक हो जाएंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। और ये है फीस। क्या खाक ठीक हो जाऊंगा? जख्म मेरे हाथ पर हुआ है और पट्टी आपने मेरे पांव पर बांध दी है, और सरकारी अस्पताल में इतनी फीस? देखें, अब मरीज की मर्जी नहीं चलेगी,
हमारी मर्जी है जिधर मर्जी पट्टी बांधे और जितनी मर्जी फीस लें। मगर क्यों? हुकूमत ने ये अस्पताल गिरवी रख दिए हैं, सरकारी फीस नहीं चलेगी और ना ही इलाज। क्या जी? हर चीज गिरवी गिरवी गिरवी।